वाराणसी के बीएचयू में 101 दीक्षांत समारोह में एक छात्र ने सीएए का विरोध करते हुए अपनी डिग्री लेने से इनकार कर दिया। छात्र और उसके साथ ही सीएए और एनआरसी का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी के बीएचयू में 101 दीक्षांत समारोह में एक छात्र ने सीएए का विरोध करते हुए अपनी डिग्री लेने से ही इनकार कर दिया। छात्र और उसके साथ ही सीएए और एनआरसी का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दीक्षांत समारोह के दौरान विरोध कर रहे छात्र ने डिग्री लेने से किया इनकार। मैंने आज अपनी डिग्री इसलिए नहीं ली क्योंकि 19 तारीख को हुए सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। मैं उन गिरफ्तारियों का विरोध करता हूं, मैं इस सांप्रदायिक कानून का विरोध करता हूं, मैं देश को बांटने वाले हर तरह के कानून का विरोध करता हूं और खासकर जो छात्र हमारे साथ जिनका आज कन्वोकेशन था वो जेल में है और यूनिवर्सिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए ये डिग्री नहीं लूँ। जी मीडिया संवाददाता वाराणसी नवीन पांडे जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। नवीन, जो वीडियो सामने आया है जिसमें छात्र कह रहा है कि मैं डिग्री नहीं ले रहा हूं, इस वीडियो की हकीकत क्या है? गिरफ्तारी की बात भी निकलकर सामने आ रही है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 101वें दीक्षांत समारोह में आज एक छात्र रजत सिंह ने डिग्री लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका विरोध इस बात को लेकर था कि पिछले दिनों हुए सीएए के विरोध में छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन में जो छात्र शामिल थे उनके खिलाफ पुलिस ने 70 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, जिसके विरोध में रजत ने आज डिग्री लेने से साफ इनकार कर दिया और उसका एक कहना साफ था कि इस तरह के कानून का वो विरोध करते हैं और जब तक छात्र को उनके सहयोगी छात्र को रिहा नहीं किया जाता है तब तक वो किसी प्रकार की डिग्री नहीं लेंगे। जी, क्या बीएचयू की तरफ से कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया आई, रिएक्शन आया हो? बाकी बीएचयू की तरफ से अभी इस बात को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन बीएचयू का साफ कहना है कि छात्र की डिग्री अगर छात्र अगर नहीं लेता है तो बीएचयू उसको छात्र के घर पे भिजवाने की कोशिश करता है, छात्र बीएचयू कोरियर के द्वारा छात्र के घर पे भिजवा देगा। अगर छात्र का मन है वो डिग्री अगर लेने का तो ले भी सकता है, लेकिन अगर विरोध कर रहा है छात्र तो इसमें बीएचयू का कोई रोल नहीं है, छात्र की इच्छा है, छात्र जब चाहे तब डिग्री आके बीएचयू प्रशासन के पास। विरोध कर रहे जिस छात्र ने डिग्री लेने से इनकार किया और उसके और भी बाकी साथी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या अभी भी वो पुलिस की हिरासत में है? पिछले दिनों हुए प्रदर्शन के दौरान जो गिरफ्तार हुए हैं छात्र, उन छात्र अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। छात्रों बाकी जो छात्र सहयोगी छात्र हैं उनको छात्रों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में ये छात्र आज डिग्री लेने से मना किया है कि वो डिग्री नहीं लेगा जब तक उनके छात्रों जो पुलिस की हिरासत में छात्र हैं उनको रिहा नहीं किया जाता है, उसके बाद रिहा कर देते हैं तब ये छात्र डिग्री लेंगे। जी चलिए नवीन, जानकारी के लिए शुक्रिया।